डिगरा शहर में नगर पालिका की ओपन स्पेस यानी खुली जगहों पर बीते कई सालों से अतिक्रमण किया गया है। इन जगहों पर अतिक्रमण करने वालों में शहर के कुछ पूंजीवादी और सियासी लोग शामिल हैं। इस पूरे मामले को लेकर एनबीसी संवाददाता ने पालिका मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी से बात की है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। एक जमाना था जब दिग्रस नगर पालिका प्रशासन की कार्य प्रणाली बेलगाम हुआ करती थी। पालिका प्रशासन की इसी लापरवाही का फायदा उठाते हुए न सिर्फ पिछड़े इलाके बाजार और चौक चौराहों पर अतिक्रमण बड़े पैमाने पर फैला, बल्कि खुली जगहों पर यानी ओपन स्पेस पर शहर के चुनिंदा पूंजीवादियों और राजनीति में सक्रिय लोगों ने अवैध कब्जा जमाया हुआ था। लेकिन जब से शहर में बतौर मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी ने पालिका की बागडोर संभाली है, तब से पालिका की अतिक्रमित जगहों को बारी बारी से अतिक्रमण के चुंगुल से छुड़ाया जा रहा है। पालिका की खुली जगहों पर धड़ल्ले से अतिक्रमण कर कुछ लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से खाली कराने के संकेत मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी ने दे दिए है। मैडम, जिस तरह से शहर में ओपन स्पेस पर कहीं पर दवाखाना फिजियोथेरेपी का किसी ने खोल रखा है, तो कहीं पर स्कूलों की पार्किंग है, तो कहीं पर कैंटीन चलाई जा रही है, तो इस बारे में आप क्या आह्वान करना चाहती है उन लोगों को जिन्होंने वहां पर अतिक्रमण कर रखा है? नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है कि ओपन स्पेस तो लोगों के लिए, खेलने के लिए, बच्चों के लिए और एम्यूजमेंट के लिए रखी जाती है। अगर किसी ने दवाखाना लगाया है या फिर चाय की दुकान या जो भी कोई दुकान है, तो ये तो बहुत ही इलीगल है। तो मेरा सबसे आह्वान सबको कि जिन्होंने भी ओपन स्पेस का अपने कमर्शियल यूज के लिए अगर यूज कर रहे होंगे, तो उन्होंने अब के अभी निकाल लेना चाहिए, अदरवाइज हम निकाल के अगर और ये भी पता चला कि कोई लॉयंस क्लब वालों ने भाड़े से या दिया है या किराए से दे दिया, किस तरह से दिया, तो उन्होंने ये तो बहुत ही गलत करा है। तो अभी के अभी वो सब खाली करके देना अच्छा रहेगा, अदरवाइज उन पर थोड़ा फौजदारी गुनाह दाखिल। बात किसी गांव की हो या शहर की हो, जहां भी जब भी कोई बड़ा हेरफेर होता है, उसमें राजनीति और पूंजीवाद साथ साथ नजर आते हैं। दिग्रस शहर में जहां तक ओपन स्पेस पर किए गए अवैध कब्जों की बात है, तो उन मामलों में भी यही तस्वीर नजर आ रही है। दिग्रस शहर में इन दिनों नगर पालिका प्रशासन जो है अतिक्रमण विरोधी जो कार्रवाई यहां पर की जा रही है, जिसके तहत गली मोहल्ले चौक चौराहों और बाजार परिसर का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस तर्ज पर अगर हम दिग्रस शहर के कई इलाकों की बात करें, तो नगर पालिका की जो खुली जगह है जिसे ओपन स्पेस कहते हैं, उन जगहों पर भी कई सालों से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज हम सूरज नगर में हैं, ये यहाँ की ओपन स्पेस है और यहाँ पर एक दवाखाना, यहाँ फिजियोथेरेपी कोई दवाखाना है वो चल रहा है। सुनने में आया है कि ये जो जगह है वो नगर पालिका ने एक ठहराव के जरिए एक सामाजिक संस्था को ये जमीन दी थी ताकि वो यहाँ पर सामाजिक उपक्रम चलाए, लेकिन बाद में उस संस्था ने इस जमीन को या फिर ये जो पीछे हॉल आप देख रहे हैं इसको किसी एक निजी डॉक्टर को दे दिया है और इसका जो पैसा आता है वो भी नगर पालिका को नहीं पहुंचता, बल्कि सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि वो पैसा जो है वो सामाजिक संस्था को जाता है। अब ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है, इसकी जो तस्दीक है वो नगर पालिका प्रशासन ने करनी चाहिए। और इसके अलावा सिर्फ यही जगह नहीं, बल्कि शहर में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर ओपन स्पेस है, जहाँ पर सामाजिक सभागृह बनाए गए हैं, जिसे योगा भवन हम कह सकते हैं, वहाँ पर भी कई लोग जो हैं, लोगों से वहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है तो लोगों से उसका चार्ज वसूला जाता है। इसी तरह से एक बड़े निजी अस्पताल ने भी नगर पालिका की खुली ज़मीन को अपने कब्जे में ले रखा है और वहाँ पर कैंटीन चलाई जा रही है, जिसकी किराए की कोई एक फूटी कौड़ी भी नगर पालिका को नहीं मिल रही है। इसके अलावा जो नया बस स्टैंड का एरिया है, उसके सामने वाले इलाके में भी कहा जाता है कि एक पूर्व पार्षद ने अपने बंगले से सटी एक ज़मीन जो ओपन स्पेस की है उसको भी अपने कब्जे में कर रखा है। कई जगहों पर स्कूलों की पार्किंग देखी जा रही है जो ओपन स्पेस की जगह है, कई जगह पर स्कूलों के जो मैदान है वो भी देखे जा रहे हैं जो ओपन स्पेस की जगह है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अतिक्रमण के विरोध की जो कार्रवाई जारी है वो काबिले तारीफ है, लेकिन जनता ये मांग कर रही है कि जो बड़े लोग थे, बड़े मतलब जो लोग राजनीति में सक्रिय है या सक्रिय थे, जो एक अपना प्रभाव रखते थे, जो पूंजीवादी लोग हैं, उन्होंने भी बड़े पैमाने पर दिग्रस शहर की जमीनों पर कब्जा कर चुका है। जनता चाहती है कि इस चंगुल से, इनकी चंगुल से इस जमीन को छुड़ाया जाए और इन पर भी वही कार्रवाई की जाए जो बाकी जगहों पर की जा रही है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर।